हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो क्वींस। तो आज हम जिस वेबसाइट का रिव्यू करेंगे, इसका नाम है desertfarm.io। आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं और इसके बारे में आपको सारे डिटेल इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई डिटेल मिस ना हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, तो आप खुद भी अपनी रिसर्च ज़रूर किया कीजिए कोई भी गेम प्ले करने से पहले, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ये इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये एक फार्मिंग गेम है बेसिकली, तो और वैक्स ब्लॉकचेन पे है ये बेस्ड। इसकी वैक्स ब्लॉकचेन है। वैक्स ब्लॉकचेन की गेम्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये काफ़ी अच्छी भी होती हैं। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ये आप होम देख सकते हैं, गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर कम्युनिटी, ज्वाइन डिस्कॉर्ड। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इनके टूल ड्रॉप है जो इधर देख लेते हैं, इनका टूल ड्रॉप देख लेते हैं। एंड आप गेम प्ले करके भी देख सकते हैं, द हेवन ऑफ सर्वाइवर्स डेजर्ट फार्म। आप इसके ग्राफिक्स वगैरह भी देख सकते हैं, ये गेम बहुत ही अच्छी है। आप इसको इनके ये इधर फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, एनएफटी ब्लॉग पे, इनके एनएफटीज या एटॉमिक हब पे हैं। और ये ट्विटर अकाउंट है इनका, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम इनका देख लेते हैं रोड मैप। रोड मैप में जो क्वार्टर 1 2024 था वो कम्प्लीट हो चुका है। टीम फॉर्मेशन थी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेवलपिंग आइडिया एंड लॉजिंग डिवेलपमेंट। एंड नंबर टू पे जो इनका था क्वार्टर 1 2022 में, यानी कि ये लास्ट में था, क्वार्टर फोर था इनके, लास्ट मंथ 2021 के एंड 2022 के जो है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट किया। इंटरफेस डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रजिस्ट्रेशन कंपनी, वेबसाइट डिज़ाइन एंड गेम डेवलपमेंट। एंड उसके बाद इन्होंने नंबर थ्री पे क्वार्टर 2 2022 अप्रैल में इन्होंने जो किया है, वाइट पेपर अपने रिलीज़ किया है, उसका भी हम बाद में अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम उसको। एंड वेबसाइट लॉन्च किए इन्होंने, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया इन्होंने, एटॉमिक हब वेरिफिकेशन इनकी हो चुकी है। अब इनका वेरीफाई है इनका जो कॉन्टेंट, इनकी जो वेबसाइट है और एनएफटीज है। एंड जो मई में इन्होंने करना है बीटा टेस्टिंग एंड टोकन लिस्टिंग ऑन एल्कोर पे भी ये लिस्ट करना चाह रहे हैं। एंड फोर में आप देख सकते हैं जून में इनकी अब जो अब चलेगी, फिलहाल अब जून चल रहा है, वर्किंग ऑन एसोसिएट्स एंड वर्किंग ऑन रेफरल पे ये वर्क कर रहे हैं कि रेफरल से भी अर्निंग कर सकें लोग। एंड 2022 जुलाई में इनका टूल ड्रॉप होगा, गेम लॉन्च है, एसोसिएट ड्रॉप है इनका। और फाइव में हम देख लेते हैं सीड्स ड्रॉप करेंगे ये, इन गेम एक्सचेंज होगी एंड वेपन्स ड्रॉप होंगे Q4 2022, यानी कि लास्ट में 2022 के इम्प्लीमेंट एंड कम्युनिटी प्रपोजल होंगे। न्यू रोड मैप रिलीज करेंगे, यानी कि इनका एम जो है नेक्स्ट इसके बाद और सेकेंड वाइट पेपर भी ये रिलीज करेंगे। तो रिसोर्सेज जो इनके हैं वो हैं बेसिकली, देर आर फोर प्रपोज टोकन ऑन डेजर्ट फार्म गेम, DFE, DFW, DFarm एंड DFF सर्वाइवर्स। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं, कैन माइंड दीज टोकन फ्रॉम डिफरेंट रेलेटिव एंड NFT टूल्स सच अ कॉमन रेयर ईपिक एंड लेजेंडरी। सो फोर कैटेगरीज हैं इनके टूल, ये इनके टोकन हैं। सो DFW जो है, यू कैन माइंड DFW फ्रॉम वाटर टूल्स ऑफ एनी रेलेटिव। सो आप इसको वाटर से अर्न कर सकेंगे, इसमें कॉमन होंगे, रेयर होंगे, ईपिक होंगे एंड लेजेंडरी होंगे, ये आप वाटर से इनको जनरेट कर सकते हैं इसको। और जो रिवार्ड्स होंगे इनके रेलेटिव में, वो आप माइनिंग टूल्स देख सकते हैं, वाटर प्रोसीजर है, वाटर एक्सट्रैक्टर है, वाटर जनरेटर होगा एंड वाटर प्लांट होगा। फोर कॉमन में प्रोड्यूसर होगा एंड वाटर एक्सट्रैक्टर होगा रेयर में। आप इनके ये देख सकते हैं आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितने घंटे में कर सकते हैं। रिवार्ड्स होगा 10 कितना होगा एंड क्राफ्टिंग कॉस्ट इनकी कितनी होगी, ये यहाँ पर दी हुई है इनको कितनी, एंड कॉस्ट इंसर्टमेंट पर क्राफ्ट भी कितना होगा वो भी यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है। तो इसी तरह से ये है, हम देख रहे थे DFW का। एंड अगर आप एनर्जी का टूल देख लें, DFE एनर्जी, एनर्जी की जो रेडिटीज हैं वो ये हैं। और आप एनर्जी किधर किधर से आप ले सकते हैं, वो भी आपको ये वाला टोकन आपको एनर्जी से मिलेगा। और इनकी जो डिटेल्स हैं, किस तरह से होगा, कितना होगा, कितने घंटे में माइनिंग टाइम है, रिवॉर्ड टाइम किस तरह से है, क्राफ्टिंग कॉस्ट किस तरह से हमें लगेगी, कितनी आपको होगी, वो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह से वाटर एसोसिएट्स जो हैं, इसको इसके भी फोर हैं, बेसिक एसोसिएट्स है, प्राइमरी है, स्टैंडर्ड है एंड प्रीमियर है। सो ये कॉमन में बेसिक आ जाता है, रेयर, ईपिक एंड लेजेंडरी। किसी भी कार्ड के फोर कैटेगरीज होते हैं, कॉमन, रेयर, ईपिक, लेजेंडरी। इसी तरह से इनके भी फोर टाइप्स हैं। और एनर्जी एसोसिएट्स फार्म में भी आप देख सकते हैं, इनकी भी नीचे इन्होंने परसेंटेज दे सकती है, माइनिंग टाइम दे दिया है कितना लगेगा, एक्स्ट्रा टूल स्लॉट्स कितने होंगे, टूल फार्मिंग रिवॉर्ड पर डे कितना होगा, बोनस परसेंटेज, क्राफ्टिंग कोड्स एंड एक्सेट्रा, सारी डिटेल्स।
फूड टूल्स आप देख सकते हैं इनके डीएफई में, डीएफई हम जो अर्न करेंगे फूड टूल है वो, ऑड्स में, रेडिटी में एंड कॉर्न है एंड डेट्स है। सो डेट्स जो है वो लेजेंडरी है, ईपिक है, कॉर्न और रेयर में है, बरेली बैरले बैरले एंड कॉमन में है ऑड्स। इसी तरह से ये इनके माइनिंग टाइम डिटेल्स और सारी चीजें हमें मिल जाती हैं यहाँ पर। एंड अपग्रेडिंग, अपना अपग्रेड किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कॉमन, कॉमन से वो रेयर, रेयर से ईपिक, ईपिक से आप लेजेंडरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लेयर कैन अपग्रेड डिजर्ट फार्म टूल्स फॉर लोअर रेरिटी इनटू हायर रेरिटी टूल्स, यानी कि आप टूल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं अपनी एनएफटी के बेस पे। एनएफटी आपको एनएफटी मार्केट से अवेलेबल होंगे, मार्केट से आप उसको बाय कर सकते हैं और वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। टोकोनॉमिक्स देख लेते हैं, बर्निंग टोकन जो है, गेम प्ले, गेम प्ले में जो इनकी डिटेल्स हैं अब हम वहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने माइनिंग है, एनर्जी टूल्स एंड डीएफई, उसके बाद आपने उसको एक एक जो है वो है टूल क्राफ्ट, टूल क्राफ्ट आएगा यहाँ नीचे से भी, माइनिंग से, वाटर टूल्स से आप DWF वाटर अर्न कर सकते हैं और टूल क्राफ्ट तक आ सकते हैं। और इधर से अगर हम सामने जाते हैं तो आप देख सकते हैं क्राफ्ट है, क्रॉप DFF है, एक्सेस DFE एंड DFE एंड DFF, सो तीनों चीज़ें हमें मिल सकती हैं, इनको और इसको मिला के हम इसको इसमें सीड ऐड करके और ये ले सकते हैं ये वाला टोकन, और उसको हम इजीली कन्वर्ट करके लाइफ स्टॉक टू फीड लाइफ स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और बर्निंग डी फार्म है, इसकी भी ये स्टोरी है, इसके किस तरह से हमने अर्न करना है, किस तरह से प्ले करना है, ये हमें मिल जाता है इनका चार्ट। वाटर एसोसिएट है, एनर्जी है, उसके बाद हम फार्म टोकन फार्म में आ जाएंगे, डिसन फार्म, उसके बाद डीएफई है, DFW वाटर है, DF एनर्जी है, उसके बाद उसको हम क्राफ्ट करेंगे एनर्जी एसोसिएट से, और इसको क्राफ्ट करेंगे वाटर एसोसिएट से। टूल ड्रॉप देख लेते हैं, इनका टूल ड्रॉप है, इनका टूल ड्रॉप करीब है। ऑन टूल ड्रॉप बैग विल बी अवेलेबल ओनली फॉर व्हाइट लिस्टेड पीपल, इफ दे आर अनसोल्ड बैग देन दे मे बी अवेलेबल फॉर पब्लिक सेल। तो आपको यहाँ पर इनके पैक्स के प्राइसेस देख सकते हैं आप, $200 है फॉर वाटर टूल और फॉर एनर्जी टूल, नंबर ऑफ पैक्स है 30, पॉसिबिलिटी फॉर हायर रेरिटीज है। एंड $100 का जो है वो इनका स्टैंडर्ड पैक है, $50 का इनका बेसिक टूल पैक, एंड रिसोर्सेज जो पैक होगा वो 50% है, इसमें आप रेरिटी देख सकते हैं, DFW है 2%, 360 पैक्स है इनके, ये 2000 है, 1000 ओनली 30 पैक्स है। सो आप जल्द से जल्द बाय इनको कर लें ताकि आप इजीली बाद में गेम प्ले कर सकें। अबाउट अस, इनके बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में बताया गया, बी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिमिटेड इनक्रॉपटेड इन सूट वन सेकेंडरी फ्लोर साउंड एंड विजन हाउस फाइनेंशियल रिचर्ड STR विक्टोरिया वगैरह वगैरह, इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, इनकी यहाँ पर स्टोरी है। सो आप यहाँ से सारी रीड आउट इनकी करके देख सकते हैं, स्टोरी वगैरह इनकी क्या स्टोरी है, क्या डिटेल्स हैं। अपकमिंग इवेंट्स जो इनके हैं वो टूल ड्रॉप है जो अभी फिलहाल अब जुलाई के शुरू में है, कमिंग सून एसोसिएट ड्रॉप होंगे, कमिंग सून सी ड्रॉप होगा, एंड कमिंग सून लाइव स्टॉक ड्रॉप होगा, फिलहाल अभी टूल्स ड्रॉप है इनका। इनिबेट एक्सचेंज है, वी विल इंट्रोड्यूस ऑन इन बिलिट गेम एक्सचेंज टू बाय एंड सेल टोकन इन साइड द गेम। सो ये एक्सचेंज को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे इन फ्यूचर, कराने वाले हैं ताकि आप गेम में बाय एंड सेल कर सकें। यू विल यूज द डी फार्म टोकन एज द ट्रेडिंग टोकन इन इन बिलिट गेम एक्सचेंज। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है क्राफ्टिंग का, गेम का एंड अदर्स कोई भी, ये थ्री क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजिट फार्म, व्हाट इज द यूज ऑफ एसोसिएट्स, एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द एसोसिएट बोनस एंड टोकन कंजप्शन परसेंटेज। वी विल कैलकुलेट टोकन कंजप्शन एंड बोनस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ NFTs यू यूज द माइन एंड द गेम। सो गेम के हिसाब से ही होंगे, और इनका वाइट पेपर जो है इंग्लिश में, वो मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है, डिस्क्लेमर है ये इनका, और ये इनकी टूल ड्रॉप की स्टोरी, अबाउट अस, आवर स्टोरी, अपकमिंग इवेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखते हैं। टर्म एंड कंडीशंस है, ये इनकी ईमेल है, आप इनको मेल कर सकते हैं, और इनको टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, मीडियम, ट्विटर, रेडिट, फेसबुक एंड यूट्यूब पे आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमने टूल ड्रॉप देख लिया, आप इसको ज़रूर यहाँ से बाय कर लें। ये एटॉमिक हब पे मार्केट है, इनकी पासिस हैं, ये स्टैंडर्ड वाइट लिस्टेड पास है, पास से आप काफ़ी पास, आप पास भी आप ज़रूर बाय कर लें अपने पास, फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं इनका वाइट पेपर। वाइट पेपर के टोटल 17 पेजेस है। द हेवन ऑफ सर्वाइवर्स डेजर्ट फार्म इज एन एनएफटी बेस्ड गेम ऑन वैक्स ब्लॉकचेन। टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं, टोटल है ये है इनके टेबल ऑफ कंटेंट। इनकी आपको जिस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, इंट्रोडक्शन इनका मिल जाता है सेम एज इट इज़ वेबसाइट वाला, लेकिन इस पर इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं अपने। ये इनके हाउ टू स्टार्ट है, किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपने डिपॉजिट वैक्स वॉलेट के साथ अटैच कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉग इंट्रोड्यूशन फॉर्म गेम ऑन प्ले डिजर्ट फार्म डॉट ऑयो। मैं आपको गेम का ट्यूटोरियल लास्ट में दिखा दूंगी। उसके बाद आप ये इसकी ये देख सकते हैं, दे आर फोर पर्पज रिसोर्स इन आवर गेम सो फार। दे आर DFW, DFE, DFarm एंड DFF। फार्म फूड टोकन है, एक फार्म टोकन है, एनर्जी एंड वाटर टोकन है। सो वाटर की ये सारी डिटेल्स जो अभी हम पीछे देख चुके हैं सेम एज इट इज़ वही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिटीज हैं, कंजप्शन है, कितने घंटे के में आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितना कम टाइम होगा, कितने ज़्यादा कर सकते हैं। लेजेंडरी में आप ज़्यादा कर सकेंगे, कॉमन में कुछ कम होगा काफ़ी, उसके हिसाब से इसी तरह से ये सारे टोकन्स के दे दिया इन्होंने। वाटर एसोसिएट्स का और ये एनर्जी एसोसिएट्स एंड डिजर्ट फार्म फूड एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड टोकोनॉमिक्स बर्निंग एंड फार्म गेम प्ले। और ये इनका रोड मैप आ जाता है जो हमने अभी देखा है। और एनबिलेट एक्सचेंज पे ये करने वाले हैं बाय एंड सेल के लॉन्च एंड टोटल सप्लाईज वगैरह आप इनकी देख सकते हैं। सब टोकन के इन्होंने टोटल सप्लाईज ये दे रखे हैं। सो ये इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी गेम रिलेटेड अगर चाहिए, व्हाट इज डिजर्ट फार्म गेम, प्ले टू अन एनएफटी गेम है बिल्ड ऑन वैक्स ब्लॉकचेन। वैक्स ब्लॉकचेन की गेम्स वैसे तो बाय द वे मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, आप भी इनको जरूर यूज कीजिए। सो कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए आंसर उसका यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम गेम प्ले कर लेते हैं। गेम प्ले करने के लिए हम गेम पे क्लिक करेंगे और हम इसको गेम प्ले का मैं आपको ट्यूटोरियल्स दिखा देती हूँ। तो अब हम अपना वैक्स वॉलेट यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही वैक्स वॉलेट लॉगिन करेंगे आप देख सकते हैं गेम ओपन हो चुकी है। इसमें हमारे पास दो टूल्स आ रहे हैं, इनमें से हम एक टूल सेलेक्ट कर लेंगे एनर्जी माइनिंग। और आप ये नीचे देख सकते हैं एनर्जी माइनिंग टोकन हमें शो हो रहा है। ये होम है बेसिकली गेम का, डेजर्ट फार्म का। और NFTs है, NFTs को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही NFT को हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं टूल्स में हमारे पास दो NFTs शो हो रहे हैं। सो टोकन पैक्स भी आप देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके। और आप ये मेरे वॉलेट में टोकन भी देख सकते हैं दोनों एनर्जी और वो हम इस आप देख सकते हैं। अब हम इसको कर लेंगे एनर्जी टोकन को क्लिक करेंगे एनर्जी, और यहाँ से हमने इसको ट्रांजैक्शन सक्सेस कर लिया, इसको हमने बाय कर लिया। तो जैसे ही हमने बाय कर लिया आप देख सकते हैं इसको हमने स्टेकिंग पे लगा दिया है। अब हम वापस से आ जाते हैं बैक। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर हम किसी को NFT को अपग्रेड करना हो तो हम 2 NFTs की रेरिटीज़ देख लेंगे, उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। 2 NFTs को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं। और अब हम इसको कर लेंगे अपग्रेड। अपग्रेड करने के लिए भी ट्रांजेक्शन होगी, जैसे हम अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन ये कंप्लीट हो गई है सक्सेस आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको गेम में आप NFTs को स्टेक भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी इसको अब हम स्टेक करके दिखाएंगे। इसको हम स्टेक पर क्लिक कर लेंगे, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।